अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम प्रिंट टाइटल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं या रिपीट हेडिंग किस तरह करवा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि दो पेजेस पर आ रहा है, तो मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू कर दिखा देता हूँ। इस वक्त ये फर्स्ट पेज है जिसपे ये हेडिंग आ रही है, और जैसे ही मैं सेकेंड पेज पर जाता हूँ तो वो हेडिंग नहीं आती, और इस तरीके से आपको एक्सेल में नॉर्मल नज़र आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हेडिंग आपको सेकंड पेज पर भी रिपीट हो, तो वो किस तरह की जाएगी, आज इस बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप आ जाए पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का, आप इस पर आ जाए। और प्रिंट टाइटल्स में प्रिंट एरिया तो इसने सिलेक्शन कर ली है, क्योंकि हमने इस टेबल को सिलेक्शन लिया था, तो वो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये पूरी सिलेक्शन नज़र आ रही थी। अब हमें क्या करना है, रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि जो टॉप की जो रो है इसको रिपीट करना है। तो इसको रिपीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्शन कर लें। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, सिर्फ मैं माउस को यहाँ रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरी सिलेक्शन हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको ओके कर दें। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूँ। ये फर्स्ट पेज आया, और जैसे ही मैं सेकंड पेज पर आऊँगा तो ये हेडिंग जो है वो रिपीट हो रही है, तो इस तरीके से ये प्रिंट आउट आएगा। मैं होम पर आ जाता हूँ, तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू कर देख सकते हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक हेडिंग को, अगर आपके पास 100 पेजेस हैं तो इस हेडिंग को 100 पेजेस पर रिपीट करवा सकते हैं, सिर्फ यही ऑप्शन यूज कर। पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल है, और यहाँ से सिर्फ आप इसको सिलेक्ट कर बता दें, सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी कि अगर आपके पास लेफ्ट में हेडिंग है, यानी कि जो कॉलम होगा उसको भी अगर आप इस तरफ रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, तो वो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ टॉप पर थी, तो इसलिए हमने इसको यूज किया। अगर आपकी कॉलम की, यानी कि ये वाली हेडिंग जो है वो अगर आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं एक्सेल में, तो इसको आप यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।